हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइज, आपके साथ भी ये हुआ होगा, अगर आप जिम करते हो, अगर आपको किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फीवर हो जाए, तो उस दौरान हमारा मसल मास लॉस में चला जाता है। जिस मसल्स को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, वो मसल 2 ही दिन के बुखार में काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इस चीज़ को देखकर हमारा दिमाग बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि इस मसल को बढ़ाने के लिए हमने तरह तरह की डाइट फॉलो की थी, तरह तरह के सप्लीमेंट इनटेक किए थे, फिर भी 2 ही दिन के बुखार में ये मसल काफ़ी डाउन में जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इस चीज़ का एक परमानेंटली सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि फीवर है, किसी को भी हो सकता है। तो इस फीवर में, इस मसल मास के लॉस से बचने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गाइज, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिस समय हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मसल मास लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में ग्लूटामाइन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ग्लूटामाइन की वजह से ही हमारा मसल मास लॉस होता है, और ग्लूटामाइन का नाम आपने सुना होगा। हमारी बॉडी बिल्डिंग है, उसमें ये काफ़ी पॉपुलर सप्लीमेंट है, आपने शायद नाम जरूर सुना होगा ग्लूटामाइन का। ग्लूटामाइन ही हमारे मसल लॉस का सबसे मेन कारण होता है। अगर आप ग्लूटामाइन के बारे में नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे शरीर का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमें इसे बाहर से इंटेक करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी बॉडी जितनी दिन की रिक्वायरमेंट होती है, इसे खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेती है, और हमारी शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसे पूरा कर देती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जब हमारी बॉडी को ग्लूटामाइन की ज़्यादा नीड होती है, हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में होता नहीं है। और वो कंडीशन आती है फीवर की। फीवर के दौरान हमारे शरीर को ग्लूटामाइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में 60% हमारी मसल्स में स्टोर होता है, बाकी 40% हमारे किडनी लंग्स होते हैं उनमें स्टोर होता है। तो ये चीज़ है कि जब हमारा एक फीवर होता है, तो उस दौरान हमारे शरीर को इस ग्लूटामाइन की ज़्यादा नीड होती है, और ये अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमारी मसल से इस ग्लूटामाइन को लेना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स लॉस में चला जाता है। अब ये मसल से क्यों लेती है? इसके पीछे की वजह ये है कि सबसे ज़्यादा स्टोर ग्लूटामाइन हमारी मसल्स में होता है, जो कि 60% है। इसलिए हमारी बॉडी हमारी मसल से इस ग्लूटामाइन को लेती है, और जिसकी वजह से हमारा मसल मास लॉस में चला जाता है। तो ये एक फीवर की कंडीशन नहीं होती, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिस समय हमारी बॉडी को ग्लूटामाइन की ज़्यादा नीड होती है। जैसे कि हमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाना, जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, उस समय भी हमारी बॉडी को ज़्यादा ग्लूटामाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय अगर हमें ग्लूटामाइन नहीं मिलता, तो उस दौरान हमारी बॉडी हमारी मसल से ग्लूटामाइन लेना स्टार्ट कर देती है, और इंजरी के दौरान हम काफ़ी मसल मास लॉस कर बैठते हैं। और दूसरी, अगर हमें किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो अभी ग्लूटामाइन की हमारे शरीर में नीड बढ़ जाती है, अगर वो हमें नहीं मिले तो फिर से हमारा मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो भी हमारा मसल मास लॉस में चला जाता है। अगर हमें किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो भी हमारी मसल श्रिंक होने लगती है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को ग्लूटामाइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हमें वो प्रॉपर ग्लूटामाइन हमारी बॉडी को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल में स्टोर ग्लूटामाइन को लेना स्टार्ट कर देती है। और भी कई कंडीशन है, जैसे कि आप जिम करते हो और डाइट फॉलो नहीं करते, या फिर फास्टिंग करते हो, तो उस समय भी हमारी बॉडी को ग्लूटामाइन की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि आप एक अच्छा वर्कआउट करते हो लेकिन डाइट फॉलो नहीं करते, तो हमारी मसल श्रिंक होने लगती है। तो ये भी चीज़ आपने देखी होगी, अगर हम डाइट नहीं लेते और एक्सरसाइज करते हैं, तो भी हमारी मसल्स नहीं बनती, बल्कि ब्रेक डाउन होने लगती है और श्रिंक होने लग जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन को फेस नहीं कर रहे, तो आपको बिल्कुल भी ग्लूटामाइन की ज़रूरत नहीं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फेस कर रहे हो, मोस्टली फीवर को, तो उस दौरान आपको अपनी डाइट में ग्लूटामाइन सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। सप्लीमेंट नहीं तो आप ग्लूटामाइन सोर्स के जो फूड हैं उनको इनटेक कर सकते हो, या फिर मार्केट में बहुत सारे ग्लूटामाइन सप्लीमेंट अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके हैं, जिससे आप अपने मसल मास के इस लॉस से बच सकते हो, और जो कि फीवर के दौरान ज़्यादा होता है, क्योंकि फीवर में, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारी बॉडी हमारी मसल से ही ग्लूटामाइन लेना स्टार्ट कर देती। तो इस तरह आप अपने मसल लॉस से बच सकते हो अपनी डाइट में इस ग्लूटामाइन को ऐड करके। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग में ग्लूटामाइन का कोई रोल नहीं है। अगर आप फिट हो, बिल्कुल हेल्थी, आपको फीवर नहीं होता, किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, आपने कोई सर्जरी नहीं कराई, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आप जिम करते हो, बिल्कुल फास्टिंग नहीं करते, तो उस दौरान आपको ग्लूटामाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फीवर जल्दी जल्दी हो जाता है, तो उस दौरान आपको ग्लूटामाइन अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू, आपको जैसा भी अच्छा लगे।
तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो गाइज कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने मसल टेक प्रीमियम मास गेनर का रिव्यू किया, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो उसमें मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो करें, आप हमसे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरी पर्सनल आईडी मनोज तेवतिया 12 है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।